सो हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी माय नेम इज शुभम जगदीशन वेलकम बैक टू द चैनल सो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं सीटी 2024 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस जी हां पूरा पूरा सिलेबस आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाने वाला है तो बॉस अब अगर आप आईएससी के बच्चे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई में आपके दो सब्जेक्ट होते थे कुछ बच्चों के पास कॉमर्स होता था और कुछ बच्चों ने बिजनेस स्टडीज दे रखा था बट वेन इट कम्स टू योर सीयू एग्जामिनेशन जिस बच्चे ने कॉमर्स ले रखा है वो भी फॉर्म भरते समय बिजनेस स्टडीज को मैप करेगा और जिसने बिजनेस स्टडीज ले रखा है वो भी बिजनेस स्टडीज को मैप करेगा तो कॉमर्स वाले बच्चा भी सीयूटी के अंदर बिजनेस स्टडीज का पेपर देगा और आईएससी में जिसने बिजनेस स्टडीज ले रखा था वो तो बिजनेस स्टडीज का पेपर देने ही वाला है तो अगर मैं यहां पर सिलेबस डिस्कस करूं तो बहुत सारा टॉपिक है जो आईएससी वालों ने कॉमर्स में पढ़ रखा है सीबीएसई वालों ने एग्जैक्टली बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में पढ़ रखा है सो कंफ्यूजन क्रिएट होने की अब यहां से मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या-क्या सिलेबस -क्या है जो आपको पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं अगेन बिजनेस स्टडीज के पेपर में भी आपको मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चंस जिसमें से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने होंगे फोर्टी क्वेश्चन सो प्लस फाइव फॉर एवरी राइट आंसर एंड माइनस वन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर तो कौन कौन सी यूनिट है जो हमें पढ़ना है है सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल्स एंड एंड फंक्शंस ऑफ ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट में ये है पहला नेचर सिग्निफिकेंस मैम इसमें हमको कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइंस कैसे होती है आर्ट कैसे होती है और प्रोफेशन कैसे होती है सब पढ़ रखा है जो भी बोर्ड का बच्चा यह देख रहा है सबने अपने स्कूल लेवल पर क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में पढ़ा हुआ है देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट

और आप चाहे सीयूटी ट्वेंटी फोर की तैयारी करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट्स मैं खुद आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर पढ़ा रहा इंग्लिश के टीचर अलग हैं और जनरल टेस्ट के टीचर अलग मिल रहे होंगे सारी ही क्लासेस लाइव मिल रही होगी और साथ में तीन बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे ए बेस्ड मॉक पोर्टल मिलेगा जिसको आप मॉक्स देकर अपनी रैंकिंग्स के बारे में रियल टाइम में पता लगा सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ आते हैं अगला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट

क्या है डेलीगेशन क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है डिफरेंसेस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिफरेंसेंट्राइज क्या होते हैं ये सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग है मीनिंग नीड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ना है स्टाफिंग एज रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है स्टेप्स क्या होते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है सिलेक्शन क्या होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग आना है डायरेक्टिंग में भी आपको सारे एलिमेंट्स पढ़ने होंगे स्टेप्स पढ़ने होंगे और नेक्स्ट uh, चैप्टर है आपका कंट्रोलिंग मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग ये सारे बच्चों ने कुछ आई के बच्चों ने क्लास ट्वेल्थ के कॉमर्स में पढ़ा है सीबीएसई वाले बच्चों ने इसको ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है बस सेम सिलेबस से है आगे बढ़ते बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के ऊपर आते हैं। बिजनेस फाइनेंस क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है

और अगर आपको एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है या एट डबल वन टू सिक्स जीरो वन टू थ्री फोर पर तुरंत कॉल करें और मिलते हैं हम आपसे सीयूटी के बैचेस में ऑल द बेस्ट